कोरियन सीरीज एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं जो सीरीज खत्म करने के बाद दिमाग से नहीं उतरता। अब देखो, मुझे पता है इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही इंतजार किया है, तो मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसे वेब सीरीज मिल जाएगा जिसको देखने के बाद आप मुझे थैंक यू बोल ही दोगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, डिस्क्रिप्शन पे मेरे टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कुछ चाहिए हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, कॉन्फिडेंटियल असाइनमेंट। अब देखो, ये सीरीज नहीं एक मूवी है, इसको मैंने इस वीडियो पे ऐड किया क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है, तो आपको एक बार ट्राई मारना चाहिए। अब बात करें मूवी की, तो इस मूवी में एक डिटेक्टिव होता है जिसको एक मिशन दिया जाता है, उसको सिर्फ 3 दिनों के अंदर बहुत ही बड़े क्रिमिनल को पकड़ना है, क्योंकि क्रिमिनल के पास कुछ ऐसा चीज है जो नॉर्थ कोरिया को बर्बाद कर सकता है। अब क्या डिटेक्टिव अपने मिशन को सक्सेसफुल कर पाता है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये सीरीज। 6.6 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है Amazon Prime पर। नंबर 4, इमरजेंसी कपल। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी रोमांस ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो और हीरोइन से एक दूसरे को बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब ये नफरत प्यार में कब बदल जाता है इन दोनों को भी पता नहीं चलता। इनके बीच की बॉन्डिंग केमिस्ट्री कमाल की है। अगर आपको रोमांटिक सीरीज देखना पसंद है तो ये आप देख सकते हो। 7.4 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है MX प्लेयर पर। नंबर 3, ओ माय बेनस। सीरीज बेस्ड है रोमांटिक ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। कहानी शुरू होती है स्कूल की, जब एक सुंदर लड़की सारे लड़के उस पे क्रश होते हैं, लेकिन वो टाइम के साथ मोटी हो चुकी होती है जिसके वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद सीरीज पे जो होने वाला है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये सीरीज। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज है, आपको एकदम भी रिग्रेट फील नहीं होगा। 7.7 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है Zee5 पर। नंबर 2, किल मी हिल मी। सीरीज बेस्ड है रोमांटिक थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से जिसको एक मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि स्पॉइलर निकल जाएगा। इसको आप एक्सपीरियंस करो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज है। 8.3 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है जियो सिनेमा पर। नंबर 1, हैप्पीनेस। सीरीज बेस्ड है थ्रिलर डिजीज एक्टिविटी के ऊपर। कहानी शुरू होती है एक वायरस से जो पूरा दुनिया में फैल जाता है। अब क्या इस डेडली वायरस से अपना हीरो सरवाइव कर पाएगा? देखो, इस सीरीज को ऑल ऑफ अस डेड से कंपेयर मत करना क्योंकि मजा स्पॉइल हो जाएगा, और बिना कंपेयर करके अगर एक्सपीरियंस करोगे तो आपको कुछ अलग ही मिलेगा, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप इस सीरीज को देखो। 9.6 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। तो गाइस, आज के वीडियो पे मैंने टॉप 5 कोरियन ड्रामा सीरीज मैंने कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक पर एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।